फिलहाल हम लोग फ्लाई कर गए हैं। ये हम लोग फ्लाई कर गए हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग जो है क्वालालंपुर मलेशिया को छोड़ रहे हैं। हम लोगों की फ्लाइट है आज बाली इंडोनेशिया के लिए। सारे बैग्स वगैरह पैक करके अभी हम लोग निकल रहे हैं। भाई 2 घंटे से उठे हैं और दिन के 10 बज रहे हैं। 8 बजे उठ गए थे, तब से पैकिंग वगैरह चल रही थी, क्योंकि एक बार सारा सामान बिखर जाता है ना तो उसे पैक करने में, सेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। चनाई भी रेडी हो गई है, इन्हें तो बस फ़ोन देखना है, इससे कोई मतलब नहीं है। जब से आई हैं टीवी ही देख रही हैं, तो इनके तो मस्त चल रहे हैं। और आज मौसम क्वालालंपुर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सुबह से बादल हैं, बस बारिश होने को बाकी है। और ये है कुछ लास्ट नज़ारे, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ के सिटी के। यहाँ का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। मौसम भी यहाँ का ज़बरदस्त है, मतलब जब मैं आया हूँ तो मुझे तो मौसम बहुत ही अच्छा मिला। और जल्दी से पहुँचते हैं बाली, जो कि हम लोगों का मेन डेस्टिनेशन है, जहाँ के लिए हम लोग आए हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। यहाँ तो हम लोग 3-4 दिन रुके, बट वहाँ तो हम लोग रुकने वाले हैं काफ़ी टाइम। आई थिंक 12-13 दिन की ट्रिप है वहाँ की, तो शाम तक हम लोग जो है वो बाली इंडोनेशिया पहुँच जाएंगे। तो फटाफट यहाँ से निकलते हैं। शनाया को ही गेट खोलना है, पापा ने खोल दिया तो रोने लगे। सारे बैग वगैरह डन हो गए हैं। शनाया अपना बैग खोलिए। फिलहाल हम लोग जो है वो निकल चुके हैं। हेलो I'm in a whip with a thotty, looking like Scabby, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cardi J's. And the bitch deserve it, put in work for the money she earned. कल भी बारिश हुई थी और आज भी बारिश हो रही है। अभी तो शुरू हुई है, हो सकता तेज हो बारिश। बादल तो भाई बहुत भयंकर है। Give me top every night lip service. Then I gotta block these. She worth it. I'm out of Abu Dhabi with a bad book like Scabby. Ooh. जैसे हमें जंगल काफी ज्यादा है, मतलब ये अपने यहाँ जैसे नहीं कोकोनट होता है उस तरीके के पेड़ है यहाँ पे काफी ज्यादा इस तरीके के। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये लगाए गए होंगे, बट ये खुद से ग्रो हुए हैं। पूरा पूरा जंगल है, जंगल होते हैं ना वैसे जंगल। बट यहाँ पे मैंगो ट्री, बाकी जो अपने यहाँ मिलते हैं फ्रूट्स, गुआवा, एप्पल, ये सब कुछ नहीं है। तो हरियाली में कोई कमी नहीं है भाई, बिल्डिंग्स के ऊपर तक पेड़ पौधे लगाए। फिलहाल हम लोग क्वालालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और यहीं से हम लोगों की फ्लाइट होगी बाली के लिए। आप वही लेके आइए, मेरी हेल्प कर रही है पापा की। शनाया ने देखो कुछ देख लिया टॉयज। आओ बेटा बाली में लेना आके अपना। इधर काफी सारी शॉप्स हैं, पूरी मार्केट है स्टारबक्स, बाकी इधर भी खाने पीने का। इधर कुछ शॉपिंग करनी है तो कर सकते हो, करेंसी एक्सचेंज सिम सब कुछ मिलेगा। यहाँ से जो है बोर्डिंग पास खुद से प्रिंट करना है, बोर्डिंग पास आ चुके हैं। सेल्फ चेक इन करना था, इधर से हम लोगों को एंट्री करनी है। भाई साहब यहाँ का जो है, मतलब जैसे थाईलैंड में जो है वो चेक इन प्रोसेस काफी फास्ट था, वैसे यहाँ का ही भाई मिनटों में ही जो है वो अंदर कर रहे हैं। इंडिया में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं, वहाँ पे एक्चुअली काउंटर वगैरह भी कम होते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, चेक करते हैं 7 kg और ये 15 kg, 1 kg अगर एक्स्ट्रा है तो। यहाँ पे सब कोई सीन नहीं है, फटाफट काम हो रहा है। यहाँ से हम लोगों को एंट्री मिलेगी, बट मेरी अभी फ्लाइट नहीं दिख रही है। यहाँ पे जो फ्लाइट दिख रही है वो हो ची मिन्ह सिटी वियतनाम की फ्लाइट और डॉन नुएंग है थाईलैंड की। तो यहाँ से दोनों फ्लाइट अभी निकलने वाली हैं। हम लोगों की फ्लाइट में काफ़ी टाइम एक्चुअली बिफोर आ गए थे, अभी तो दिख नहीं रही है। तब तक यहीं वेट करते हैं, कुछ खाने पीने का सीन देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो और भाई साहब भूख काफ़ी तेज़ लग गई है, जैसे बर्गर किंग है। यहाँ पे अगर कुछ मिल जाए तो ले लेते हैं। डिसाइड भी कर लिया है क्या क्या लेना है। वेजिटेरियन के लिए बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, तो प्योर वेज है उनके लिए। फिलहाल बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मिल गई है जैसे तैसे। चना के फ्रेंच फ्राइज ये सबसे अच्छा होगा। कोई टॉय पसंद आ गया है, उनसे टॉय चाहिए, क्या चाहिए बताओ। क्या चाहिए आप, क्या बता रही हो, क्या चाहिए ये चाहिए। क्या चाहिए? ठीक, टी शर्ट पसंद आया, बहुत ज्यादा खुश हो गई है। टी शर्ट बेटी क्या करोगे आप टी शर्ट का? ये खेलने वाला है, ये खाने वाला थोड़ी ना है। खेलने वाला है? हाँ खेलने वाला है। है क्या है, व्हाट इज दिस? मैं इसमें पीऊंगी, मैं इसमें पानी पीऊंगी और सबके लिए भी डालूंगी। सबके लिए भी डालूंगी, और क्या। तो थैंक यू पापा। पहले पेमेंट तो कर दें, अभी चले। ओके बाय। हैप्पी मम्मा को दिखाओ चल के। पानी नहीं, मिल्क पीना। ठीक है
प्रॉमिस करा रही है ताकि सनाया बार बार ना मांगे कुछ। कल हम लोगों की बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। आराम से बेटा, गिर ना जाना, भागने से मतलब आया। यह क्वालालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर का नजारा, इधर फ्लाइट खड़ी है, हम लोगों की फ्लाइट यहाँ पे लगने वाली है। यहाँ पे तो क्रो भी है, क्योंकि फ्लाइट अभी आई नहीं। गाइस यहाँ पे तो क्रो भी है। हाँ, कहाँ है क्रो? ये तो है, दिखा नहीं। ओ सॉरी सॉरी, मुझे नहीं दिखा था, मुझे दिख गया, ये है क्रो। क्रो दिख रहा ना? पापा बुला ली ना बेटा, कहाँ जा रही हो आप? पापा क्रो को बुला लीजिए ना, मुझे क्रो की याद आ रही है। याद आ रही है? ये क्या गिराया आपने, उठाओ जल्दी। सामने जो है ये प्लेन के अंदर फ्यूल भरा जा रहा है, विंग्स के अंदर डाला जाता है। फिलहाल हम लोग फ्लाइट में सवार हो गए। फिलहाल हम लोग फ्लाई कर गए हैं। ये हम लोग फ्लाई कर गए हैं चेन्नई ना। No man, but I'm man up for that. Ooh, put it on camera. She a freak, none I can't. फिलहाल मेरा फूड आ गया है, राइस है, साथ में इन्होंने तो सॉस वगैरह कुछ दी है। ट्राई करते हैं, बताते हैं कैसा है। फिलहाल हम लोग बाली लैंड करने वाले हैं। कहाँ दर्द हो रहा है? शनाई के कानों में दर्द हो रहा है। फ्लाइट एक्चुअली पीछे आ रही है इसकी, मेरे भी हो रहा है। फिलहाल हम लोग बाली पहुंच चुके हैं और यहाँ पे जो है वो वीजा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए, तो अभी भाई वीजा वगैरह लेते हैं तभी हम लोगों को बाहर जाने को मिलेगा। फिलहाल हम लोग एयरपोर्ट के बाहर आ गए, काफ़ी टाइम लग गया यहाँ पे, पूरा वीज़ा फिर कस्टम क्लियरेंस का पता नहीं क्या क्या था, तो सारा निपटान हो के आए हैं बाहर। कैब मैंने बुक कर दी है, तो अभी कैब आने वाली है, आ जाए भाई फटाफट निकले, काफ़ी ज़्यादा थक गया, पूरा दिन निकल गया भाई मलेशिया से या इंडोनेशिया आने में ही। तो ये है बाली का कुछ रात का नजारा, बट यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है, ट्रैफिक बहुत है। ऐसा पेड़ पौधे देखिए कितने ज्यादा चमक रहे हैं, वाओ। ये है बाली के नजारे। आई थिंक कोई होटल है। कल हम लोग चेक इन कर रहे हैं, तो वेलकम तो फिलहाल हम लोग जो है अपने होटल पहुंच चुके हैं। हम लोग रुके हैं कुता में, कुता बाली इंडोनेशिया। बाहर का नजारा कल मॉर्निंग में दिखाएंगे, हम दिखा देते हैं भाई। ये है हम लोगों का कॉटेज है, ये साया तो सो गई है, काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। इधर टीवी, एसी और बाकी ये मेन्यू वगैरह, इनका रेस्टोरेंट है, कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये सब कुछ है। ये वॉशरूम, छोटा सा फ्रिज, मिनी फ्रिज, टॉवल, शॉवर एरिया, यही कुछ सीन है। काफी बढ़िया लग रहा है, यहाँ की वाइब्स अलग अलग ही सीन है यहाँ का, यही कुछ है। अभी तो भाई आ गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं यहाँ का क्या सीन। फिलहाल हम लोग आए हैं पंजाबी ग्रिल रेस्टोरेंट में, रात के 11 बज रहे हैं। चलाया यार अपना लॉलीपॉप एंजॉय कर रही है, फूड ऑर्डर किया है भाई इंडियन फूड, तो आ जाए उसके बाद में खाते हैं। काफी अच्छा लग रहा है बाली में। आपको मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है भाई साहब, यहाँ पे सबसे ज्यादा महंगा है, मतलब सब्जी से महंगी रोटी है, 100 रुपए की एक रोटी है। ऐसा रोटी भाई साहब क्या है? मतलब यहाँ पे आटा नहीं होता है ना। कल एक्चुअली हम लोग काफी लेट जो है वो बाली पहुँच पाए थे, और फिर डिनर वगैरह करने गए बाहर, तो रात के 1 बज गए थे। और यहाँ का मौसम भाई साहब एक नंबर है, काफी कुछ है बाली में देखने वाला, मतलब छोटी सी जगह है बट काफी इसमें स्पॉट हैं, और घूमने के लिए मतलब काफी टाइम चाहिए, तो यही कुछ सीन है। बाकी अभी नेक्स्ट ब्लॉग यही शुरू करेंगे, पूरा बाली का सीन दिखाएंगे आप लोगों को। मैं तो यहाँ बाहर आके जो है वो बैठ गया हूँ थोड़ी देर, तो फिलहाल इस वाले ब्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नया ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए बाय बाय। With a bad look like Skybree, ooh, right beside me. In a phantom off that the yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad look like Skybree, ooh, right beside me. In a phantom off that the yeah, yeah.